नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुधा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं देवभूमि उत्तराखंड में। देवभूमि में आप सबका स्वागत है। आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो हम जा रहे हैं मसूरी। मसूरी देहरादून से 35 किलोमीटर डिस्टेंस में है। मसूरी इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, पॉपुलरली नोन एज पहाड़ों की रानी, द क्वीन ऑफ हिल्स। शाम का टाइम है, देहरादून से हम 5 बजे निकले, अभी पहुंचने वाले हैं। देहरादून से मसूरी 1 घंटा लगता है। आप देख सकते हैं मसूरी एंटर करते ही व्यू कितना प्यारा लग रहा है। अभी हम 6000 फीट हाइट ऊपर है। मसूरी में मॉल रोड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है। जैसे कि हमारा वन नाइट का स्टे था, तो हम मॉल रोड कवर करने के लिए बिल्कुल मॉल रोड के पास ही होटल लिए। मॉल रोड में आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे व्यू वाले होटल्स मिल जाएंगी। हम जब गए थे, मॉल रोड का रिनोवेशन चल रहा था, आप देख सकते हैं। वैसे भी मॉल रोड में कोई भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है। आज इवनिंग मॉल रोड एक्सप्लोर करने का प्लानिंग था, तो होटल में लगेज रख के मैं चली मॉल रोड एक्सप्लोर करने। तो आइए मेरे साथ। इवनिंग में ठंडी ठंडी हवा के साथ हर एक शॉप में लाइट म्यूजिक सुन सुन के मॉल रोड घूमना एक अलग ही लेवल का रिफ्रेशमेंट था। अगर आप शॉपिंग पसंद करते हैं तो मॉल रोड में आके आप गुम हो जाओगे। इतने सारे सामान थे, जैसे कि वुडन आइटम्स और हैंडीक्राफ्ट्स, उलन आइटम्स, पाकिस्तानी दुपट्टास, मधुबनी कश्मीरी फुलकारी, सारे वैरायटीज़ के ड्रेस मटेरियल्स एंड दुपट्टा मिल रहे थे। चलो। रोड के दोनों तरफ एक से बढ़कर एक छोटे बड़े होटल्स थे, जहाँ पर आप मोमोज, कुलचे, चाइनीज, नॉर्थ इंडियंस, पंजाबी, देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ स्नैक्स एंड डिनर आइटम्स आप एंजॉय कर सकते हैं। मॉल रोड और एक चीज़ के लिए फेमस है, वो ये है कि व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको पूरी डून वैली की ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने को मिलेगी। व्यू पॉइंट में फ़ोटोज, सेल्फीज़ लेने के लिए टूरिस्ट लोग की बहुत भीड़ लग जाती है। और ये देखिए नाइट व्यू। रात को 10 बजे के बाद यहाँ पे सारी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं। थोड़ा बहुत मेमोरी के तौर पर शॉपिंग करके मैं चली वापस होटल। मॉल रोड में होटल लेने का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे काफ़ी टाइम मिल गया मॉल रोड एक्सप्लोर करने। गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्रॉम मसूरी। कल शाम को मॉल रोड घूम के बहुत मज़ा आ गया और आज सुबह का टाइम है, 8 o'clock हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं बादल कितने नीचे आ गए हैं और व्यू देखिए हमारे होटल से कितना प्यारा लग रहा है। और ये मौसम में घूमने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो आज हम प्लानिंग किए हैं कैंपटी फॉल जाने के लिए। तो चलिए फटाफट से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। Thank you.
ये दाल है क्या? नहीं नहीं राजमा है। हाँ ओ राजमा, और इधर भी राजमा चावल कट जाओ, ये भी राजमा भी गए हैं। राइस, चिकन राइस, वेज थाली, मटन राइस, दाल राइस, कड़ी राइस सब है। ब्रेकफास्ट हो गया, अभी चलते हैं हम केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल यहाँ के फेमस वाटरफॉल है और ये अराउंड 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है मसूरी से। तो केम्प्टी फॉल जाने के लिए हमने स्कूटी रेंट पे लिए थे, एक दिन का रेंट यहाँ पे 600 रुपीज़ है और आप यहाँ पे स्कूटी, मोटर बाइक कुछ भी रेंट पे ले सकते हैं और अपने हिसाब से घूम सकते हैं। केम्प्टी फॉल के गेट एंटर करने के बाद आपको दोनों तरफ छोटे छोटे स्टॉल्स देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे आपको वुडन आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंड क्राफ्टेड बैग्स, वैरायटी वैरायटी आइटम्स के आपको शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप मसूरी के कुछ मेमोरेबल थिंग्स लेके घर वापस जा सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आपको रिजनेबल रेट में मिल जाएंगी। और मुझे वुडन हैंडक्राफ्टेड आइटम्स का बहुत शौक है, तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारे वुडन हैंडक्राफ्टेड आइटम्स शॉपिंग कर ली है। नीचे केम्प्टी फॉल तक जाने के लिए आप सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज राउंड ट्रिप केबल कार भी यूज़ कर सकते हैं। राउंड ट्रिप का कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर हेड। तो आ गए हम अभी केम्प्टी फॉल में, आप देख सकते हैं, ये देखिए केम्प्टी फॉल यहाँ का फेमस वाटरफॉल है, दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस, पानी भी बहुत ठंडा है। केम्प्टी फॉल मेरा सेकेंड टाइम विजिट है, मैं पहले बचपन में आई थी अपने पेरेंट्स के साथ, ज़्यादा कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं। हाँ, पर जो शॉप्स वगैरह है वो पहले उतने नहीं थे, अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। यहाँ पे अगर आपको नहाना है तो यहाँ पे चेंजिंग रूम है और लॉकर सिस्टम है और स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह भी मिल जाते हैं। बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकना हो नहीं पाया, हम आ गए गर्मा गर्म चाट खाने के लिए। केम्प्टी फॉल देखने के बाद हम चले बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में, जो कि हैप्पी वैली में है।
रास्ते में लंच करने के लिए हम एक रेस्टोरेंट में रुके, सॉरी मैं इसका नाम भूल गई, पर जितने भी केम्प्टी फॉल के रोड में होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स है सारे अच्छे अच्छे व्यू वाले हैं। बहुत ही शानदार व्यू है, आप देख सकते हैं, रियली वी एंजॉयड अ लॉट। सिंपल सा वेज पुलाव था पर बहुत टेस्टी था। वैसे खाना तो हम रोज खाते हैं पर ऐसे व्यू देख देख के खाना खाने का मजा ही कुछ अलग है। हमें शाम को देहरादून निकलना था, हमारे पास 2-3 घंटे और बचे थे, तो हमने डिसाइड किया एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वहाँ के फेमस है वहाँ पे जाने के लिए, जिसको हैप्पी वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आने के बाद बहुत सुकून मिला, बहुत ही पीसफुल प्लेस में इसको बनाया गया है और साथ में आप नेचर को भी एंजॉय कर सकते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी और माउंटेंस ये प्लेस की रौनक को और भी बढ़ा दिया है। मसूरी आने के बाद आप ये प्लेस को कभी भी मिस मत करना, वेरी नाइस प्लेस। तो ये था हमारा वीकेंड ट्रिप टू मसूरी फ्रॉम देहरादून। आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना बस। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।